अभी विषय तो हमारे बाकी है। इतने सवाल लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी मौन। जी हाँ, सवाल था लाडली लक्ष्मी योजना का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के नए सीएम से सवाल किया कि लाडली लक्ष्मी योजना का आखिर अब क्या होगा। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं बोल पाए। आखिर क्यों? अभी विषय तो हमारे बाकी है। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कई बड़े निर्णय इसमें लिए गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित की गई। सभी निर्णय मीडिया को बताए गए, लेकिन जैसे ही सवाल लाडली बहना का आया तो मुख्यमंत्री जी मौन रह गए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसके मायने क्या हैं? और कुछ सवाल भी बनते हैं। क्या बंद हो जाएगी लाडली बहना योजना? क्या सीएम डॉक्टर यादव इसे लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं? लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सीएम बनते ही मोहन यादव से सवाल किया गया था, तब भी उन्होंने कहा था आगे देखेंगे। लेकिन इसके बाद एक टीवी के इंटरव्यू में कहा इसे जारी रखा जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब सार्वजनिक तौर से मीडिया ने यही सवाल पूछा तो डॉक्टर मोहन यादव इसका जवाब देने से बचते रहे, कतराते रहे और ये तक कह डाला कि अरे और भी चीजें हैं, और भी बात है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार सीएम ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और इस जीत में लाडली योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने खुद इसी तरह की एक योजना महतारी वंदन योजना का जिक्र किया और इसे अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने शामिल भी किया। महिलाओं को आर्थिक सहायता इसके तहत दी जाएगी, हर महीने 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। तो अब ऐसे में सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को योजना का लाभ देकर मध्य प्रदेश की लाडलियों को नाराज तो नहीं करना चाहेगी। गौरतलब है शिवराज सरकार ने इस योजना के तहत आने वाले समय में 3,000 रुपये महीने तक देने की घोषणा भी की थी। संभावित है नई सरकार इस योजना को और बड़े पैमाने तक ना ले जाए, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो यह सरकार के लिए ही घातक सिद्ध होगा। डॉक्टर मोहन यादव के इस तरह के रवैये से मध्य प्रदेश की लाडलियां शंकित है कि कहीं यह योजना बंद ना हो जाए। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इसका खामियाजा आम चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।